नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं एक स्पेशल टाइप के कंप्रेसर के बारे में, जिसमें आपका आयल न लग के कूलेंट लगता है। आपने स्कूल कंप्रेसर में देखा होगा कि हमारा आयल लगता है, मेक के हिसाब से अलग अलग आयल लगता है, कहीं कहीं पे 32, कहीं पे 40, ऐसा करके अलग अलग नंबर का मेक के हिसाब से आयल लगता है। लेकिन ये जो हमारा कंप्रेसर है, ये डिफरेंट टाइप के स्पेशल कंप्रेसर है हमारा, ये भी रहने के लिए स्क्रू कंप्रेसर ही है, लेकिन इसमें हमारा आयल न लग के एक स्पेशल टाइप का कूलेंट लगता है। तभी हमारा उसी कूलेंट का जो है हमारा कलर जो है वो चेंज हो गया था, प्लस हमारा थोड़ा सा इसका इसमें जो है गाढ़ापन आ गया था। अब इसीलिए हम लोग जो है इसको अभी रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग इसीलिए इसको अभी ड्रेन कर रहे हैं रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से भी क्या हो रहा था, हम लोग का सिस्टम जब ये चल रहा था तो ओवरहीट का इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसी को जो है अभी हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए इसका जो कूलेंट है उसको भी हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ओवरहीट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ये कंप्रेसर हम लोग यहाँ पर डी सिस्टम यूज करते हैं दोस्तों, स्पेशल हम लोग यहाँ पे इसको डी सिस्टम के लिए लगाया हुआ है। डी सिस्टम जो हमारा फर्जिंग होता है, पर्जिंग, उसी के लिए हम लोग इसको लगाए हुए हैं। अभी आपका यहाँ पे जो है हमारा कूलेंट हम लोग अभी डालेंगे। देखिए, हम लोगों ने अल्ट्रा कूलेंट करके है ये, इसमें हमारा 25 लीटर लगता है। अभी उसी को हम लोग इसमें अभी हम रिप्लेस कर रहे हैं। आपका कंप्रेसर में क्या होता है, चाहे वो कूलेंट हो, चाहे वो उसका जो वो है आयल हो, ये दोनों चीज़ें बड़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसका लेवल को मेंटेन करके रखना, आपका लेवल ओवर होगा आपका लिमिट से तब भी जो है आपका हमारा इसमें ओवरहीट का जो है प्रॉब्लम आता है। अगर लेवल आपका कम है तब भी ओवरहीट का प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम लोग को इसका जो लेवल है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पे व्यू ग्लास दिया हुआ है, हम लोग को इसी में व्यू ग्लास में हमारा 50% जो है जो हमारा रिक्वायरमेंट है कंप्रेसर का, उसके हिसाब से हम लोग को मेंटेन करके रखना चाहिए। अभी देखिए, हम लोगों ने अच्छे से इसका जो हमारा लेवल है उसको मेंटेन कर लिया है व्यू ग्लास में। इसके बाद जो है अभी हम लोग का जो ओवरहीट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नया वीडियो एक नया जानकारी के साथ। धन्यवाद।